सबसे फर्स्ट यहाँ यूटिलिटी टॉपिक में आता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। तो सबसे फर्स्ट यूटिलिटी अगर आपको समझना हो तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करते हैं तो उससे जो भी आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको कुछ तो कंज्यूम करके कुछ तो फीलिंग आती होगी आपकी, तो उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी में आपको यहाँ पे दो वर्ड समझने, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मान लो आप 1 glass ऑफ वाटर पीते हैं तो आपको 20 यूटिल यूटिलिटी मिलती है, दो दूसरे ग्लास ऑफ वाटर पे ऑब्वियसली आपको पहले वाले से थोड़ी सी कम मिलेगी, 15 यूटिल मिलेगा, थर्ड वाले पे 10 यूटिल मिलेगा, फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पे 0 यूटिल मिलेगा, फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर पे मे बी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यूटिलिटी कुछ ऐसा चलती है, पहले आपका यूटिलिटी कम होता है, देन वो जीरो हो जाता है, देन आफ्टर नेगेटिव हो जाता है। तो इसे बोला जाता है जब आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद आपको कितना यूटिलिटी मिला, एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली आपको, उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। यही अगर मैं बात करूं टोटल यूटिलिटी का, तो टोटल यूटिलिटी क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट वाले पे बात करूं तो 20, सेकंड पे बात करो तो 20 प्लस 15 35, थर्ड पे बात करो तो 35 प्लस 10 45, फोर्थ पे बात करो 45 प्लस 0 45, फिफ्थ पे बात करो तो 45 माइनस 10 35। तो TU क्या होता है, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU इज सिंपली जस्ट मींस MU1 MU2 एंड कंटिन्यूइंग टिल MU ऑफ n कमोडिटी। तो MU इज डिफरेंस बिटवीन TUn माइनस TUn माइनस 1, मीन्स अगर आप MU थर्ड कॉमोडिटी पे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा TU ऑफ थर्ड माइनस TU ऑफ 2, अगर MU आप फोर्थ कॉमोडिटी पे बोलेंगे तो TU ऑफ फोर्थ माइनस TU ऑफ थर्ड। तो MU क्या होता है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, TU क्या होता है, टोटल सेटिस्फेक्शन। डायग्राम आप जब ड्राफ्ट करोगे इसका, जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया, कुछ ऐसा बनेगा। TU देखो पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे रुक जा रहा है, मैक्सिमम स्टेज बोला जाता है इसको TU का, ठीक है, इसको TU का। इस वाले पेज को आप एक बार के लिए इग्नोर करो और आ जाओ नेक्स्ट वाले पेज पे। ये देखो TU जो है पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर ये TU का मैक्सिमम स्टेज है। मैक्सिमम स्टेज मेरा कहने का मतलब अब TU डिक्लाइन होगा, मैक्सिमम स्टेज मेरा कहने का मतलब अब TU डिक्लाइन होगा, और यहां से TU डिक्लाइन हो रहा है। TU तब तक बढ़ रहा है जब तक MU पॉजिटिव है, TU तब तक बढ़ रहा है जब तक MU पॉजिटिव है। जिस स्टेज पे TU मैक्सिमम है उस स्टेज पे MU जीरो है, एंड जिस स्टेज पे TU अब डाउन होने लगा, नाउ MU विल बिकम नेगेटिव। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। TU तब तक बढ़ता है जब तक MU पॉजिटिव है, TU जब मैक्सिमम पे होता है तो MU जीरो होता है, TU जब डिक्लाइन होने लगता है तो MU आपका नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये लॉ क्या कहता है, एज एंड वेन अ कंज्यूमर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी, ठीक है, जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी कॉमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को कंज्यूम करता है, एक ग्लास ऑफ वाटर, दो, तीन, चार, पांच, तो जो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कॉमोडिटी विल बी डिमिश्ड एट एवरी इंटरवल। वो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। आपने देखा तो था MU का ग्राफ कुछ कैसा जाता है, ऐसा जाता है MU का ग्राफ। वो मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्लाइन होता है, एट अ टाइम वो जीरो हो जाता है, देन वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंपली कहता है व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, देन मार्जिनल यूटिलिटी डेराइविंग फ्रॉम दैट कमोडिटी विल बी डिमिश्ड एट अ पर्टिकुलर इंटरवल, देयर आफ्टर इट विल बिकम जीरो एंड फाइनली इट विल बिकम नेगेटिव। तो ये आपका लॉ ऑफ DMU कहता है। अब लॉ ऑफ DMU का कुछ एजम्पशन है, एजम्पशन मेरा कहने का मतलब अगर ये चीजें होगी तभी ये लॉ आपका लगेगा, एजम्पशन दैट मीन्स इन चीजों को मानकर ये लॉ बनाया गया है, ठीक है। तो एजम्पशंस क्या क्या है, देखो लॉ ऑफ DMU के एजम्पशन, पहला
होमोजेनियस क्वांटिटी होना, होमोजेनियस यूनिट होना चाहिए। होमोजेनियस का मतलब वो सिमिलर होना चाहिए। आपने पहला यूनिट कंज्यूम किया, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, वो हर यूनिट होमोजेनियस होना चाहिए। सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, होमोजेनियस का मतलब होता है सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। उसका साइज सेम होना चाहिए, उसका क्वालिटी सेम होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट ही सेम होना चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजप्शन। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, आप स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब एक दो तीन चार, ये नहीं पेटी, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट। होमोजीनियस का मतलब क्या था, जैसे कि लेट से मैं रोटी की बात करूं, तो ऐसा नहीं एक आटे की रोटी खा रहे हो, एक बाजरे की रोटी खा रहे हो। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजप्शन, पहली रोटी, दूसरी रोटी, पहला ग्लास ऑफ वाटर, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर। कॉन्टिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, ये नहीं कि एक रोटी आप रात वाला देख रहे हो और एक रोटी मॉर्निंग वाला देख रहे हो। कॉन्टिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, तभी ये लॉ लगेगा। ये लॉ प्रेस्टिजियस गुड्स में नहीं लगता, जैसे कि डायमंड वगैरह। डायमंड वगैरह के केस में तो आपने पढ़ा था स्नो इफेक्ट लगता है, स्नो इफेक्ट लगता है। स्नो इफेक्ट मतलब कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको प्रेस्टीज के लिए खरीदा जाता है, तो ये तो डायमंड वगैरह जैसी कॉमोडिटी है, इससे यूटिलिटी क्या ही कम होगी। रिलेटेड गुड्स पे ये कभी नहीं लगता। रिलेटेड का मतलब पहली यूनिट आप चाय का ले रहे हो और दूसरी कप आप कॉफी का ले रहे हो, ये रिलेटेड गुड्स में नहीं लगता। और ये लॉ तभी लगेगा जब आप रेशनल कंज्यूमर है। रेशनल पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स रेशनल कंज्यूमर पे ही अप्लाई होता है। रेशनल कंज्यूमर का मतलब जो कंज्यूमर प्राइस को कंसिडर करके सामान खरीदता है, जो कंज्यूमर अपनी इनकम को कंसिडर करके सामान खरीदता है, डिसीजन लेना जानता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ एजम्पशन है, वो कॉमोडिटी होमोजीनियस होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस कंजप्शन पे होना चाहिए, और कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। प्रेस्टिजियस गुड्स, रिलेटेड गुड्स में ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक आता है कंज्यूमर सरप्लस। इसके लिए आप एग्जाम्पल, मान लो आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो मार्केट, आप कोई सामान परचेज करने जा रहे हो मार्केट, लेट से आप आईफोन परचेज करने गए, लेट से, ठीक है। अब आपने ये फोन परचेज करने के लिए आपने सोचा था, चलो आज मैं आईफोन जो परचेज करूंगा उसका प्राइस कुछ होगा 70,000, लेकिन वहां जाकर पता चला कि वही आईफोन आपका प्राइस डाउन हो गया और वो आईफोन मिल रहा है 60,000, ठीक है, जो भी इल्यूजरी हो या जो भी हो, 72,000 की चीज आपको 60,000 में मिल गया, तो 12,000 रुपये का आपका कंज्यूमर सरप्लस हो गया। मतलब आप रेडी टू पे कितना थे, 72,000, एक्चुअली आपको कितना पे करना पड़ा, 60,000, जो बचा वो कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस मतलब कंज्यूमर की होने वाली बचत, व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। मतलब जो चीज आप खरीदने गए थे उससे टोटल यूटिलिटी मिला कितना और माइनस आपने खर्चा किया कितना, जो आएगा वो कंज्यूमर का सरप्लस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो देखा जाता है वो दो अप्रोच में देखा जाता है। एक होता है आपका कार्डिनल अप्रोच और एक होता है आपका ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच का मतलब जिस अप्रोच में क्वांटिफिकेशन पॉसिबल हो, जैसे कि 1 utility, 2 utility, 3 utility, 4 utility, बट ऑर्डिनल में काउंटिंग पॉसिबल नहीं होता, यहाँ पे रैंकिंग दिया जाता है। मतलब कार्डिनल क्वांटिटी की बात करता है, ऑर्डिनल क्वालिटी की बात करता है। ऑर्डिनल कहता है राम इज बेटर देन श्याम, कार्डिनल कहता है राम स्कोर 25 मार्क्स मोर देन श्याम। तो कार्डिनल को बोला जाता है यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल को बोला जाता है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो पढ़ना है अपने को। यूटिलिटी अप्रोच में कहता है कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे होता है, मान लो वो कंज्यूमर सिंगल कॉमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हो, तो जब उस कॉमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लेट्स से एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए, नहीं तो दोनों को बराबर कैसे करोगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी जहां पे प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी के बराबर हो जाए, वहीं पे बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर बात हो रही हो डबल कॉमोडिटी की, अगर वो कंज्यूमर डबल कॉमोडिटी में अपना इक्विलिब्रियम बैलेंस पॉइंट देखना चाहता है,
तो वो देखिएगा MUX by MUY, मान लो वो कंज्यूमर दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है X और Y, इज इक्वल टू PX by PY. मतलब इन केस ऑफ डबल कमोडिटी कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एट दैट सिचुएशन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड Y विल बी इक्वल टू प्राइस पेड फॉर X एंड Y. ठीक है, तो जहां पे रेशियो ऑफ MUX और MUY का इक्वल हो जाए रेशियो ऑफ PX और PY के, उसे बोला जाता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन केस ऑफ डबल कमोडिटी. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंज्यूमर अब उस पॉइंट से अपने आप को चेंज नहीं करेगा, वो बैलेंसिंग सिचुएशन है उसके लिए. ठीक है, यहाँ पे अपना होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी. उसके बाद अब आता है आईसी अप्रोच. पहले तो समझो आईसी होता क्या, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है. देखो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये है आपका मान लो दो गुड्स हैं, गुड्स एक्स, गुड एक्स और गुड वाई. तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक कॉम्बिनेशन ऑफ दो कॉमोडिटी होता है. इंडिफरेंस कर्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. पहली बात, इंडिफरेंस कर्व ऐसे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है. अब ये दो गुड्स कौन से हैं? तो जहां से कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होता है, जहां से कंज्यूमर, मतलब चाहे वो दो गुड्स एक्स कंज्यूम करे चाहे वाई कंज्यूम करे, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होता है. मतलब अब जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है. मतलब अब कंज्यूमर ये डिसीजन, ये क्या इनडिफरेंट है, मतलब देखो ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ, मान लो ये 1 2 1 2 या तो 5 10 कुछ भी लिखो. अब इंडिफरेंस कर्व पता है क्या कह रहा है यहां पे, कि गुड एक्स का एक कॉमोडिटी कंज्यूम करूं या गुड वाई का 10 यूनिट कंज्यूम करूं. गुड एक्स का एक यूनिट और गुड वाई का 10 यूनिट, ये दोनों मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देगा. तो अब कंज्यूमर कंफ्यूज हो चुका है, अब कंज्यूमर इंडिफरेंट है, अब कंज्यूमर ओपिनियन नहीं ले पा रहा है कि मैं गुड एक्स का एक यूनिट कंज्यूम करूं या गुड वाई का 10 यूनिट कंज्यूम करूं. तो इसीलिए इसका नाम दे दिया इंडिफरेंस कर्व, जहां पे कंज्यूमर इंडिफरेंट ओपिनियन लेकर आता है. मतलब इसको बोला जाता है आईसो यूटिलिटी कर्व, जहां पे दोनों से मिलने वाला यूटिलिटी सेम होता है. आईसो यूटिलिटी कर्व, या तो आप इसे बोल सकते हो इक्वल सेटिस्फेक्शन ग्राफ, इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व. तो ये आपका हो गया इंडिफरेंस कर्व. तो इंडिफरेंस कर्व को आप अगर यहाँ पे देख रहे हो, तो इंडिफरेंस कर्व एक से ज्यादा अगर यहाँ पे है, देखो स्टूडेंट IC1 IC2, तो इसे बोल दिया जाता है ये है इंडिफरेंस कर्व, ये है इंडिफरेंस कर्व. अगर सबको मिला दो तो ये बनता है इंडिफरेंस मैप. ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व के ग्राफ को देखते हुए हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे, इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे. पूरा एग्जाम ओरिएंटेड वे में चलना है अपने को, जिससे आप पूरा 100% MCQs अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है, MCQs वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाएगा जो कॉन्सेप्ट को समझ गया. कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया तो समझो कि MCQs में कुछ भी नहीं है. कॉन्सेप्ट समझ के और एक बार MCQs अच्छे से कर लो. तो सबसे फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी देखो क्या है, कि इसका जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है From left to right. तो indifference curve का जो slope है, देखो ये रहा इसका slope, left to right downward जा रहा है. तो indifference curve का जो slope है वो क्या है, left to right downward जाता है. इसका region क्या है, हर property का आपको region आना चाहिए, क्योंकि region पे ही target किया जाता है question. इसका region है law of monotonic preference. अब लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है कि किसी, मान लो दो कमोडिटी एक्स और वाई, एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने के लिए वाई की कुछ एक्स्ट्रा यूनिट आपको छोड़ना पड़ता है. ऑब्वियसली ऐसा ही होता है. देखो ना डायग्राम अगर मैं बनाऊं, यहां पे एक लिखता हूं, यहां पांच लिखता हूं, यहां यहां एक, यहां दो, यहां दस. अब इस डायग्राम को समझो, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आपने लिखा, यहाँ पे दो लिखा. जब आप एक यूनिट कंज्यूम कर रहे थे एक्स का, तो इसका 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे.
अगर आपने एक्स का एक यूनिट बढ़ा दिया तो दूसरे कॉमोडिटी का कुछ यूनिट आपको क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। इसलिए इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या कहता है, इफ यू वॉन्ट टू गेन वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी देन यू हैव टू सेक्रीफाइज वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कॉमोडिटी। ठीक है, किसी कॉमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए दूसरी कॉमोडिटी का एक यूनिट आपको सेक्रीफाइज करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी आ जाओ क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि आईसी कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। ऑब्वियसली ये देखो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो आईसी कर्व जो होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। इसको अगर ऐसा आपने पढ़ा, अगर पीपीसी का ग्राफ जो होता है ये कॉनकेव टूवर्ड्स ओरिजिन होता है, ये कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन है। कॉन्वेक्स का रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो एमआरएस होता है वो डिमिनिशिंग होता है, मतलब डिक्लाइनिंग एमआरएस होता है। अब एमआरएस क्या होता है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सिंपली द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ द कमोडिटी। तो एमआरएस इज एमयू एक्स बाय एमयू वाई, और जब आप एक्स और वाई का एमयू का रेशियो निकालोगे एमआरएस के इसमें आईसी कर्व में तो क्या होता है, वो डिक्लाइन करता है। अब मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चलो, ऐसा होता है। आप अगर देखोगे भी कैलकुलेट करके, या तो अगर आपने पढ़ा एक बार तो आपने इस चीज को जरूर देखा होगा। रीजन क्या है, कॉन्वेक्स टुवर्ड्स ओरिजिन का डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ एमयू एक्स एंड एमयू वाई, ये एमआरएस हो गया। मतलब अगर एमआरएस डिक्लाइन होता है तो कॉन्वेक्स होता है, मतलब कॉनकेव के केस में एमआरएस क्या हो रहा होगा, तो एमआरएस इंक्रीज हो रहा होगा। देखो यहां पे मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर मैं बोल रहा हूं कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में एमआरएस क्या है, डिक्लाइन है। अगर कॉनकेव है तो एमआरएस इंक्रीज है। अगर वो प्रोडक्ट, अगर वो एक्स और वाई जो प्रोडक्ट मैं यहां पे बोल रहा हूं, अरे पेन कहां जा रहा है, अगर जो आईसी कर्व की बात कर रहा हूं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब एक्स और वाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, एक्स के जगह पे वाई यूज कर सकते हो, y के जगह पे x यूज कर सकते हो, तो इसका जो डायग्राम होगा वहां पे MRS कांस्टेंट होगा। मतलब क्यों, आप x को यूज करो या y को यूज करो तो MRS कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब MRS डिक्लाइन होता है तो कॉन्वेक्स, इंक्रीज होता है तो कॉनकेव, और अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो MRS कांस्टेंट। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का रीजन क्या है, बिकॉज MRS कांस्टेंट है। अगर सब्स्टिट्यूट की जगह मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, एक्स के बिना वाई यूज नहीं हो सकता, तो दोनों को साथ में खरीदना पड़ेगा, तो ये तो अजीबोगरीब हो गया। तो यहाँ पे आप ग्राफ जो आपका होगा वो एल शेप्ड का होगा, वो क्या होगा, एल शेप्ड का होगा। बताओ अब कंक्लूड करते हैं, क्या क्या मैंने बोला कि जो आईसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स होने के पीछे रीजन क्या है कि एमआरएस डिक्लाइन होता है, इसका मतलब जो पीपीसी का ग्राफ कॉनकेव होता था वो एमआरएस इंक्रीज होता था। अगर मैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले, अगर एक्स और वाई दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो एमआरएस क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, तो ग्राफ जो बनेगा वो एल शेप्ड का बनेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाओ, आईसी कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब आपका जो डायग्राम बनेगा वो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि आप बोलोगे आईसी वन और आईसी टू ऐसा बनेगा। क्यों नहीं ऐसा होगा, तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, इसके पीछे भी रीजन है आपका लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल अलग है, इसमें जो मिलेगा और इसमें, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर आईसी इज इक्वल टू हायर सेटिस्फेक्शन। जितना उच्च इंडिफरेंस कर्व उतनी ज्यादा क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे और आपको उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो अगर जितना हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी सेटिस्फेक्शन होगा, तो ये दोनों टच कैसे कर जाएंगे जब दोनों का सेटिस्फेक्शन ही अलग अलग है। तो इसका भी रीजन है लॉ ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। किसी एक कॉमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के लिए दूसरी यूनिट का कुछ यूनिट आपको सेक्रीफाइज, दूसरी कॉमोडिटी का कुछ यूनिट सेक्रीफाइज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है आईसी कर्व कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, नीदर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस। ये ना ही कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ही वाई, क्योंकि अगर किसी को भी टच कर दिया तो उसका सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाएगा।
आईसी कर में ऐसा नहीं होता, बिकॉज दोनों से मिलने वाला, दोनों कॉमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होता है, तो किसी को भी कैसे टच करेगा, इसको टच करेगा तो इसका सेटिस्फेक्शन जीरो, इसको टच करेगा तो वाई का सेटिस्फेक्शन जीरो, जो आईसी कर्व के केस में पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा आईसी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज। कोई भी कंफ्यूजन हो वीडियोस को वापिस रिपीट करो और एक बार अच्छे से देख लो, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना टॉपिक से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टॉपिक आता है बजट लाइन। अगर मैं बजट लाइन को एक वर्ड में बोलूं तो देखो इसका मतलब होता है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ टू गुड्स। ध्यान रहे दो ही गुड्स में ये आईसी कर भी चल रहा था और बजट लाइन भी। मैक्सिमम क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी परचेस्ड, कि एक कंज्यूमर अपने दिए हुए इनकम पे और उस दोनों कॉमोडिटी के दिए हुए प्राइस पे मैक्सिमम कितनी क्वांटिटीज परचेज कर सकता है। मैक्सिमम क्वांटिटी देखो यहाँ पे बोल दिया, इसका मतलब वो बजट बता रहा है, और अगर बजट बता रहा है तो इसका मतलब है कि कितना ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आप खरीद सकते हैं। तो बजट लाइन क्या है, मैक्सिमम क्वांटिटी उस दो गुड्स का कितना है जो एक कंज्यूमर अपने दिए हुए फिक्स्ड इनकम पे और उस गुड्स की दी हुई फिक्स्ड प्राइस पे खरीद सकता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट लाइन। अगर इक्वेशन में मैं बोलूं तो इसका इक्वेशन देखो ऐसा कुछ होगा। अगर मैं एम को बोलूं मॉनेटरी इनकम, एम आपका मान लेता हूं इनकम है, तो इनकम इज इक्वल टू क्या क्या, पी एक्स क्यू एक्स, मतलब एक्स कॉमोडिटी का प्राइस और एक्स क्वांटिटी, एक्स कॉमोडिटी की क्वांटिटी जितना आप परचेज कर रहे हो, प्लस पी वाई क्यू वाई, वाई कॉमोडिटी का प्राइस, वाई कॉमोडिटी का क्वांटिटी। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, ये है बजट लाइन का इक्वेशन। यही अगर मैं बोल दूं कि आपका जो इनकम है वो ऑलवेज भी लेस देन और इक्वल टू होगा पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, तो ये जो इक्वेशन जाता है वो जाता है बजट सेट का, बजट सेट का। कहने का मतलब ये तो मैक्सिमम यूनिट है, इतना आप खरीद सकते हो क्योंकि इक्वल टू लगा दिया, लेकिन ये क्या है कि आपका इनकम इससे कम या तो बराबर ही होगा। अब अपना बजट आप प्लान कर लो, तो ये आपका बजट सेट है। तो ये बजट लाइन और बजट सेट, इसका डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, तो ये आपका बजट लाइन का डायग्राम बनेगा। अगर आप देखो तो बजट लाइन का डायग्राम, मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे एक वाई कॉमोडिटी आप खरीद रहे हो, एक एक्स कॉमोडिटी खरीद रहे हो, तो तीन पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है। या तो पूरा का पूरा आप, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, लेट से आपका इनकम जो कंज्यूमर की इनकम है लेट से 100 रुपए, कंज्यूमर की इनकम मॉनेटरी इनकम एम इज इक्वल टू 100 और एक्स कॉमोडिटी की प्राइस 5 रुपए पर यूनिट है, वाई कॉमोडिटी की प्राइस 2 रुपए पर यूनिट है, तो इसके पास तीन ऑप्शन है। या तो ये आदमी पूरा का पूरा वाई कॉमोडिटी खरीद ले, तो ये कितना यूनिट खरीद सकता है 50, क्योंकि 50 × 2 100 रुपीज इसके खत्म हो गए। फिर ये एक्स का 0 खरीदेगा, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे आया जहाँ पे वाई 50 एक्स 0। दूसरा ऑप्शन, अगर एक्स सिर्फ और सिर्फ अगर ये आदमी एक्स खरीदना चाहता है वाई 0, तो देखो एक्स का प्राइस 5 रुपए, तो 100 / 5 20 क्वांटिटी ये एक्स का खरीद सकता है, फिर ये वाई नहीं खरीद पाएगा। और तीसरा पॉसिबल हो सकता है दोनों का कॉम्बिनेशन खरीदो, कुछ क्वांटिटी एक्स का कुछ क्वांटिटी वाई का, जो कहीं ना कहीं इस लाइन पे होगा। जैसे कि 30 यूनिट वाई का खरीद लो, तो 30 × 2 60 रुपीज आपके खर्च हो गए, 40 बचे, 40 / 5 8 यूनिट आप एक्स के खरीद लो, तो कहीं यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो बजट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है बजट लाइन, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी परचेज्ड है। तो स्ट्रेट लाइन में आपने क्या पढ़ा, मतलब बजट लाइन का एमआरएस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक चीज और देख लो, स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है, रेशियो ऑफ प्राइस होता है। स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होता है, रेशियो ऑफ प्राइस, पी एक्स डिवाइड बाय पी वाई। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक तो आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच में देखा था, जहां सिंगल कॉमोडिटी डबल कॉमोडिटी ऐसे चीजें थी। अब एक देखोगे आप ओरिजिनल अप्रोच, आईसी अप्रोच में। अगर मैं डायग्रामेटिक तौर पे बात करूं तो देखो ये है बजट लाइन, ये है आपका आईसी 1,
ये है आपका, ठीक है, आईसी कर्व है, लेट से, ठीक है, आईसी कर्व यहां पे आप रख लो, आईसी टू, आईसी कर्व सही सही बनाना है वैसे तो आपको, ड्राफ्ट नहीं करना पेपर में। तो ये आपका जहां पे टच हो रहा है बजट लाइन, जहां पे इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये है गुड वाई और ये है आपका गुड एक्स। तो दो कंडीशन मैं आपको देने जा रहा हूं, ये दो कंडीशन जिस भी पॉइंट पे सेटिस्फाई हो गया वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा अंडर ऑर्डिनल अप्रोच। पहला कंडीशन, जहां पे ये बजट लाइन टच कर रहा है आईसी कर्व को, ये देखो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहला कंडीशन, जहां पे आपका बजट लाइन टेंजेंट है, टच कर रहा है, टेंजेंट टू आईसी कर्व है, ठीक है, जिसे बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, मतलब जहां पे एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन हो जाता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन अभी अभी आपको बताया था क्या होता है, रेशियो ऑफ प्राइसेस, ठीक है। और दूसरा कंडीशन आपका क्या है, दूसरा कंडीशन जहां पे आपका ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वहां पे आपका एम आर एस डिक्लाइन होना चाहिए, MRS decline, या तो मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि वहां पे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए आपका IC curve, आपका जो IC curve है वहां पे कॉन्वेक्स टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए था। एक बार मान लो पेपर में आपका यहां भी टच करके दिखा दिया, यहां भी टच करके दिखा दिया और यहां भी, तो आपका ये पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यहां पे पहला कंडीशन तो टच करने पे सेटिस्फाई हो जाएगा, बजट लाइन टेंजेंट हो जाएगा IC curve को, बट कॉन्वेक्स नहीं होगा ओरिजिन, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए, योर बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टुवर्ड्स द आईसी कर्व, मींस एमआरएस एक्सवाई इज इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई। अच्छा, ये एमआरएस एक्सवाई पीएक्स बाय पीवाई देख रहे हो क्या है, एमआरएस एक्सवाई का मतलब अभी अभी क्या बताया था, एमयूएक्स बाय एमयूवाई और पीएक्स पीवाई तो है ही, तो ये तो वापिस आपको कहां पे पहुंचा दिया, इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अप्रोच सिमिलर है, अगर डेरिवेशन देखा जाए तो वहीं से ही डेरिवेशन हुआ है। तो ये भी यूटिलिटी अप्रोच में था कि डबल कॉमोडिटी याद करो, यही तो डबल कॉमोडिटी कर रहा था, MUX by MUY is equal to PX by PY। यहां पे आपका कंप्लीट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इसी के साथ आपका यूटिलिटी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सप्लाई के टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपको डिमांड समझ आ रहा है तो सप्लाई सिर्फ और सिर्फ मेरे को 5 से 7 मिनट लगेगा बचाने में, बताने में यहाँ पे, और कुछ भी सप्लाई में नहीं है। आ जाओ सप्लाई स्टार्ट करते हैं। तो सप्लाई का टॉपिक पूरा का पूरा डिमांड के स्ट्रीम लाइन पे है। सप्लाई का डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे अगर कोई भी सप्लायर अपने सामान को रेडी टू सेल है, वो ऑफर करता है सेल करने के लिए, ऐसा नहीं कि स्टॉक में रखा है, स्टॉक नहीं, जो वो ऑफर करना चाह रहा है, मतलब विलिंगनेस एंड एबल टू सेल और यू कैन से ऑफर फॉर सेल, तो सप्लाई फॉर अ कॉमोडिटी क्या बोल सकते हो, फॉर विच अ सप्लायर, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं क्या, सप्लाई is the quantity of commodity, supply is the quantity of commodity that a seller is offer for sale, that a seller offered for sale at a particular price during a given period of time। तो ये चार चीजें आपको supply के definition में आनी जरूरी है। नेक्स्ट आपका आता है डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। तो डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई को मैं यहां भी वैसा ही बांटूंगा, एक तो ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और एक अदर फैक्टर्स। अपनी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आप उस कॉमोडिटी को और बेचना चाहते हो, ऑब्वियसली आप सप्लायर के एंगल से सोचो, अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी तो मैं ज्यादा सामान ऑफर करूंगा बेचने को, तो जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ता है, तो डायरेक्ट रिलेशन। अदर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो एक होता है रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटी में क्या है, मान लो एक है टी एक है कॉफी, अगर चाय की प्राइस बढ़ गई, चाय की प्राइस बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने से सेलर ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो
तो जो कॉफी वाला सेलर है वो भी चाय की तरफ आ जाएगा, तो चाय की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो कॉफी पहले बेच रहा था वो चाय बेचना शुरू कर देगा। तो क्या होता है, जब चाय का प्राइस बढ़ता है तो चाय की सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो रिलेटेड कॉमोडिटी में भी ऐसा रिलेशन है कि अगर एक कॉमोडिटी के रिलेटेड कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, तो जो इस कॉमोडिटी का, जो मान लो फिर से अगर मैं एग्जाम्पल लू टी कॉफी, कॉफी की प्राइस अगर बढ़ जाती है तो जो चाय के सप्लायर हैं वो भी कहाँ चले जाएंगे, कॉफी की तरफ हो, और अल्टीमेटली कॉफी की सप्लाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें। इनका अगर प्राइस है, इनका प्राइस बढ़ता है तो भी आपका सप्लाई चेंज होता है, इनका प्राइस कम होता है तो भी सप्लाई चेंज होता है। लेट्स से लैंड का प्राइस का मतलब रेंट, लेबर का प्राइस का मतलब वेजेज, कैपिटल का प्राइस का मतलब इंटरेस्ट। अगर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और अगर आपका कॉस्ट ऑफ बनाने की कॉस्ट ही बढ़ गई तो आपका सप्लाई कम हो जाएगा, आप कम क्वांटिटी ऑफर कर पाओगे बेचने के लिए। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, और जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है वहां सप्लाई भी ज्यादा होती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में दो चीजें आती है, एक टैक्सेशन, दूसरी सब्सिडी। अगर गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगा दिया तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा और सप्लाई आपकी कम हो जाएगी। वहीं अगर आपको सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो वापिस वीडियो पीछे करके इसको बार बार सुनो जब तक आपके माइंड में फिट ना हो जाए ये वर्ड। नेचर ऑफ कंपटीशन, मैं दो केसेस ले रहा हूं, अगर वो मार्केट मोनोपोली वाला है, अगर वो मार्केट मोनोपोली वाला मार्केट है तो वहां पे सप्लाई कम होगा। अगर वो मार्केट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटेटिव मार्केट, बहुत सारे उस प्रोडक्ट को बेचने वाले लोग हैं, तो वहां की सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर कॉम्पिटेटिव मार्केट है तो सप्लाई ज्यादा होगी, मोनोपोली मार्केट है तो सप्लाई कम होगी। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे वहां का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वहां का गवर्नमेंट का आपके बिजनेस के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए मूवमेंट कैसा है। ठीक है, वहां पे पब्लिक की क्या कहते हैं थिंकिंग कैसी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। अब अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई को दो पार्ट में बांटूं तो एक है प्राइस ऑफ द गिवन गुड और एक है अदर फैक्टर। सेम लॉ ऑफ डिमांड में जैसा आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, अगर मैं प्राइस ऑफ गिवन गुड्स की बात करूं तो कहता है कि अगर अदर फैक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता तो लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ अपने प्राइस पे लगता है, और कहता है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गिवन गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट कमोडिटी। तो उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कुछ चीजों को सेम मानो, और कुछ चीजों को सेम मतलब लॉ ऑफ सप्लाई का एजम्पशन, एजम्पशन उसे बोला जाता है। वो कौन से, जितने भी अदर फैक्टर आपने देखे, अदर फैक्टर में रिलेटेड कॉमोडिटी का प्राइस हो सकता है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज हो सकता है, कॉम्पिटिशन हो सकता है। ठीक है, अगर अपनी प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई चेंज होता है तो उसे बोलते हैं चेंजेस इन क्वान्टिटी सप्लाइड। और चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई के दो पार्ट होते हैं, या तो सप्लाई बढ़ेगा या तो सप्लाई कम होगा। अगर सप्लाई बढ़ेगा तो उसे बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई। डायग्राम में अगर मैं बताऊं तो देखो, लेट्स से ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगी। ये आपका अपवर्ड मूवमेंट, ये आपका डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को बोला जाता है एक्सटेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। यही अगर अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई में कोई चेंज होता है तो उसे बोलते हैं चेंजेज इन सप्लाई। और चेंजेज इन सप्लाई के भी दो पार्ट हैं, या तो सप्लाई इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। देखो अदर फैक्टर, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, और ये आपका सप्लाई का कर्व। प्राइस वही का वही है पर सप्लाई आपका बढ़ गया, एक नया ग्राफ बन गया। ये सप्लाई कम हो गया, क्यों प्राइस में नहीं चेंज हो रहा, क्योंकि अदर फैक्टर में चेंज हो रहा है, सप्लाई आपका कम हो गया। तो ये देखो, ये आपका चला गया लेफ्टवर्ड, ये चला गया राइटवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब डिक्रीज।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका सप्लाई आ रहा है, अब आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड में आपने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा ही यहाँ पे है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इसी को मैं फॉर्मूले में रखूँ तो ऐसा ही वहां भी था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी मान लो पहले प्राइस था 10 से 20, ये हो गया 5 से 10, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है प्राइस और सप्लाई में। तो देखो डेल्टा पी कितना, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी, तो डेल्टा क्यू आपका जो भी दोनों में चेंज हुआ 10, डेल्टा पी 5 इंटू पी बाय क्यू, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल प्राइस ये रहा ओरिजिनल क्वांटिटी ये रहा, पुट करो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था वो हमेशा नेगेटिव होता था क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन था, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है ना वो डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर्मूले को ध्यान में रखो, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आपका होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा जबकि प्राइस में चेंज हुए जा रहा है तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी सप्लाई ऑफ इज इक्वल टू 0। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में तो चेंज हो रहा है बट प्राइस में नहीं चेंज हो रहा, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफिनिट। मोर देन 1 को बोला जाता है हाईली इलास्टिक, लेस देन 1 हाईली इनइलास्टिक, इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक, 0 को बोला जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा, और इनफिनाइट को बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, अगर ये आपका देखो इनफिनाइट का हो गया क्यों, सप्लाई चेंज हुए जा रहा है प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये 0 वाला हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक, सप्लाई में कोई चेंज ही नहीं हो रहा प्राइस में चेंज हुए जा रहा है, ये इक्वल टू 1, इसके ऊपर मोर देन 1, इसके नीचे लेस देन 1। आर्क मेथड का फॉर्मूला वही है जो आपने डिमांड में पढ़ा था, आर्क मेथड में पेपर में आपको सब कुछ दिया होगा, बस आपको पुटअप करना है Q1 माइनस Q2 डिवाइड Q1 प्लस Q2, P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 माइनस P2। याद क्या रखना इस मेथड में, P1 और Q1 ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी है और P2 और Q2 जो नई प्राइस चेंज होने के बाद हुई और नई क्वांटिटी जो चेंज होने के बाद हुई। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है आपके इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपने यूटिलिटी का टॉपिक, डिमांड का टॉपिक, सप्लाई का टॉपिक 100% कवर कर लिया। आपको जो जो मैंने बताया वहां के सोर्स से, ये टॉपिक कम से कम ये लेक्चर को 2 बार सुनो, कम से कम एमसीक्यू प्लीज उसके बिना टच मत करना, 2 बार सुनो और एमसीक्यू देखना, आप टिक लगाते जाओगे, ठीक है। और उस एमसीक्यूज को पढ़ते टाइम ना अगर कहीं भी किसी में डिफरेंस आ रहा हो, आपको उस क्वेश्चन का एमसीक्यूज टिक करने में प्रॉब्लम आ रहा हो, वापिस वैसा जहां पे भी इस लेक्चर में आपने देखा उसको आकर सुनो एक बार कि वो चीज उस टॉपिक जब मैं बता रहा था तो मैं क्या बता रहा था, ठीक है। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल हो रही हो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं यहाँ पे रेगुलरली सीए फाउंडेशन के लेक्चर सब फ्रॉम दिस अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड मैं यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड करता रहूंगा। चलो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट रिविजन में।